राजधानी रायपुर में क्राइम ग्राफ इस कदर बढ़ गया है कि पुरानी बस्ती में हेमलाल देवांगन नामक व्यक्ति को जलाकर मारने की कोशिश की गई है। बता दें कि हेमलाल देवांगन बुढ़ेश्वर चौक के पास चबूतरे में सो रहा था, तभी तीन आरोपी आशीष सोनी, अंकित और भूपेंद्र सोनी ने मिलकर उसे जलाने की कोशिश की। इसके बाद आरोपी दोपहिया वाहन में बैठकर फरार हो गए। हेमलाल के अनुसार पुराने विवाद के चलते उसे जलाने की कोशिश की गई थी। आरोपियों ने पहले ही हेमलाल देवांगन को जलाने की धमकी दी थी। घटना के बाद पुलिस फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाइट योगेश कश्यप, थाना प्रभारी, पुरानी बस्ती थाना। जी, हेमलाल देवांगन नाम का युवक है, ये लावारिश है, माँ बाप नहीं है इनके, जो रोजी मजदूरी का काम करता है और काम दौरान ये यहीं पे बुढ़ेश्वर चौक में जो चबूतरा है वहाँ पे सोता है। कुछ दिन से युवक का एक दूसरे युवक के साथ पान ठेले पे वाद विवाद था और जिस घटना दिनांक को जो आरोपी युवक है उनको बेल्ट निकालने के लिए मारने के लिए बेल्ट निकाल लिए थे, जिसपे दोनों के बीच में बैसा बैसी हुई थी, जिससे आसपास के लोग बीच बचाव किए थे। उसी दौरान युवक अपने अन्य साथी अंशुल सोनी नाम का आरोपी है, अंशुल सोनी के द्वारा अपने अन्य साथी भूपेंद्र सोनी और अंकित अवध्या के साथ प्लानिंग किया गया कि उसको सबक सिखाना है और पेट्रोल डाल के जलाना है, जिसमें तीनों युवक मिल करके 30 रुपये का पेट्रोल खरीदे और लगभग रात्रि 2 बजे जब पीड़ित सो रहा था तो उसको ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा करके जलाने का प्रयास किया गया है, जिसमें मामला पंजीबद्ध कर तीनों आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस रिमांड में लिया, न्यायिक रिमांड में भेजा गया है। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।